a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, let's continue our chapter number 2. The name of our chapter number 2 is the Northern Mountain. Take your book, open your chapter number 2, page number 12. Today we are going to know about the three ranges of our Himalaya. So our Himalaya has three range. The first one is Himadri, जिसे हम the Great Himalaya भी कहते हैं. The second one is Himachal, जिसे हम the Middle Himalaya भी कहते हैं. And the last one is Shivalik. And Shivalik is known as the Lesser Himalaya. Okay, now let's start. Students, first of all, here we have a fill in the blanks. The first one is Himalaya means. हिमालय का मतलब क्या है? So Himalaya means the abode of snow. Okay, A B O D E, abode. OF of SNOW snow. The next one is was the first woman to climb Mount Everest twice. Santosh Yadav was the first woman to climb Mount Everest twice. Okay. Now let's start our chapter. First one is Himadri range. The Himadri range are the highest and therefore snow clad throughout the year. स्टूडेंट्स, हिमालय में ये जो हिमाद्री रेंज है ये सबसे हाईएस्ट या ऊंची होती है, इसीलिए पूरे साल ये बर्फ से ढकी रहती है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस माउंटेनियस रीजन. स्टूडेंट्स, इस पर्वतीय क्षेत्र पर हिमाद्री में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं. ग्लेशियर्स बड़े बड़े बर्फ के चट्टानों को कहते हैं. एज अ रिजल्ट रिवर्स लाइक इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स. स्टूडेंट्स, ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना. हिमाद्री रेंज में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण कई सारी नदियां बनती हैं. सो रिवर लाइक इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारी हिमाद्री रेंज से निकलती हैं. सम ऑफ द हाई पीक्स इन दीज रेंज आर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा. हिमाद्री रेंज में पाई जाने वाली कुछ ऊंची पर्वत चोटियों के नाम हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा. ये तीनों हिमालय की जो चोटियां हैं ये हिमाद्री रेंज में पाई जाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज हिमाचल रेंज. अब हम हिमाचल के बारे में जानेंगे. दीज आर द मिडिल हिमालय रेंज. स्टूडेंट्स, ये मध्य हिमालय का क्षेत्र होता है. दे आर लोअर देन द हिमाद्री एंड लाई टूवर्ड्स इट्स साउथ. ये हिमाद्री रेंज से नीचे होते हैं और हिमाद्री के दक्षिण में पड़ते हैं. द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद पाइन, चीर एंड देवदार. हमारे जो हिमाचल में पाए जाने वाले माउंटेन्स के जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो ढलाने होती हैं, इन माउंटेन्स की जो ढलाने होती हैं वो पाइन, चीर और देवदार के फॉरेस्ट से भरी होती हैं. फ्रूट्स लाइक एप्पल, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, पियर्स एंड चेरीज आर ग्रोन हियर. फल जैसे कि एप्पल, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, पियर्स एंड चेरीज, ये यहाँ पर उगाए जाते हैं, यहाँ पर उगते हैं. टेरिस फार्मिंग इज डन इन दीज माउंटेन स्लोप. इन सारे माउंटेन स्लोप या यहाँ के जो माउंटेन्स है उनकी ढलानों पर टेरिस फार्मिंग की जाती है. नाउ व्हाट इज टेरिस फार्मिंग? जब हम माउंटेन के स्लोप्स को सीढ़ियों में कट करते हैं और उन पर फार्मिंग करते हैं, सो दिस इज नोन एज टेरिस फार्मिंग. ओके, जब माउंटेन के स्लोप को क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियों में कट कर दिया जाता है और वहां पे फार्मिंग की जाती है, सो दिस इज नोन एज टेरिस फार्मिंग. इन दिस मेथड लार्ज फ्लैट स्टेप्स आर कट इनटू द स्लोप टू फॉर्म फील्ड. ये जो हमारे ढलान होते हैं इनको सीढ़ियों नुमा काट के बड़े बड़े फ्लैट मैदानों में चेंज किया जाता है और इन पर फार्मिंग की जाती है. वी फाइंड मेनी हिल्स स्टेशन लाइक श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग इन दिस रेंज. स्टूडेंट्स, आप सबने भी बहुत सारे हिल स्टेशन के नाम सुने होंगे, जैसे कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मसूरी, ये सारे हमारे हिमाचल रेंज में पड़ते हैं. द रिवर्स फ्रॉम वॉटरफॉल्स एज दे फ्लो रैपिडली डाउन द माउंटेन्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे वॉटरफॉल या झरने पाए जाते हैं क्योंकि जो भी नदियां हिमाद्री रेंज से निकलती है वो यहाँ से बहुत ही तेजी से बहती हुई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे झरने या वॉटरफॉल्स देखने को मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज शिवालिक रेंज. द शिवालिक रेंज आर द लोवेस्ट. स्टूडेंट्स, ये जो शिवालिक रेंज है ये सबसे हिमालय का सबसे निचला भाग होता है. दे लाय इन द स्ट्रीम साउथ ऑफ द हिमालय. ये हिमालय के बहुत ही ज्यादा दक्षिण में स्थित हैं. दीज रेंज आर नोन फॉर दियर थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर, लेपर्ड, बियर्स एंड क्रोकोडाइल.
ये जो शिवालिक रेंज है ये अपने जंगलों के लिए, थिक या घने जंगलों के लिए तथा बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, बियर, इनके लिए जाने जाते हैं। द फूट हिल ऑफ द शिवालिक फॉर्म द तराई रीजन। जो शिवालिक का फूट हिल है, फूट हिल का मतलब किसी भी हिल का ये जो निचला हिस्सा होता है इसे हम इसका फूट हिल बोलते हैं। सो शिवालिक का जो फूट हिल है यहाँ पर तराई रीजन पाए जाते हैं या तराई क्षेत्र होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाई इन द उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और शिवालिक का ये जो अधिकतर तराई रीजन है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इट इज अ मार्शी एरिया दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। मार्शी का मतलब होता है दलदलीय क्षेत्र। ये एक दलदलीय क्षेत्र होता है जहां पर पूरे साल बहुत भारी बारिश होती है। द तराई रीजन हैज मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये जो तराई रीजन है या तराई क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे नेशनल या राष्ट्रीय पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व की जाती है जहाँ पर हम अपनी प्रकृति को या अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सके। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम ऐसे जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं जो खत्म हो रहे हैं या खत्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये बहुत सारे यात्रियों का आकर्षण केंद्र बना रहता है। इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल रेंज। हिमालय के नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल रेंज है। दे आर नॉट वेरी हाई एंड हैव थिक फॉरेस्ट विद अ ह्यूज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ये जो पूर्वांचल रेंज है ये बहुत हाई या बहुत ऊंची नहीं होती है लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा वैरायटी का मतलब बहुत प्रकार के, बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स या जंगली जानवर इसमें पाए जाते हैं। द गारो, खासी, जयंतिया, नागा, लुशाई एंड मिजो हिल्स आर पार्ट ऑफ दिस रेंज। स्टूडेंट्स, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो और लुशाई ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स या पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वांचल रेंज का हिस्सा हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालय लाई द कराकोरम माउंटेन रेंज। हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में या उत्तर पश्चिम में कराकोरम रेंज है, कराकोरम माउंटेन रेंज है। माउंट गोडविन ऑस्टिन K2 लाइज इन द कराकोरम रेंज एंड इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट गोडविन ऑस्टिन या जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं ये कराकोरम रेंज में है और पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में इसे जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 3 रेंज ऑफ अवर हिमालय, दैट इज हिमाद्री रेंज जिसमें जो सबसे ऊंची होती है जहां पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स बड़े बड़े बर्फ के चट्टानों को बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी नदियां ओरिजिनेट होती, जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं ये सारे ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होते हैं। सो रिवर्स लाइक इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ये हिमाद्री रेंज से निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज हिमाद्री से थोड़ा नीचे है यानी निचला होता है, छोटा होता है। हिमाचल में पाए जाने वाले जो माउंटेन्स है वहां उनके जो स्लोप्स है उनको कट करके टेरिस फार्मिंग की जाती है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, प्लम, एप्रिकॉट आदि उगाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे कि श्रीनगर, गुलमर्ग, मसूरी, कुल्लू आदि सब हिमाचल रेंज में ही स्थित है। इसके बाद जो सबसे लोवेस्ट या लेसर है दैट इज शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो हमारा हिमालय है उसके एक्सट्रीम साउथ में है या बिल्कुल साउथ में स्थित है। ठीक है, हिमालय के साउथ में है। शिवालिक रेंज का जो फूट हिल है या उसका जो हिल का निचला हिस्सा है वहां पर तराई क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है। तराई क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। ये जो तराई क्षेत्र है ये अपने घने जंगलों तथा ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल और बियर्स के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस तराई रीजन में बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, ठीक है, जिनमें हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हिमालय देयर इज पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज में बहुत सारी महत्वपूर्ण पहाड़ियां जैसे कि गारो, खासी, मिजो, जयंतिया ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हिल्स है ये पूर्वांचल रेंज में स्थित है। इसके बाद हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में कराकोरम रेंज स्थित है जिसमें K2 या माउंट गोडविन ऑस्टिन जो कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है वो स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द लाइफ इन द माउंटेन। हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि माउंटेन एरिया में पढ़ने वाले जो स्टेट्स है या जो रीजन या क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल किस तरह का है। ओके।
Now, this is your homework. Firstly, you all have to write the syllabus of periodic test 1 in your classwork copy. उसके बाद आप अपने चैप्टर नंबर 2 का अबाउट द चैप्टर लिखेंगे. देन यू ऑल हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 टाइम्स. ओके, आई विल प्रोवाइड यू ऑल दीज थिंग्स इन योर स्कूल ग्रुप. मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके स्कूल ग्रुप पर प्रोवाइड करूँगी. ओके.